स्वामी ने अपने 27वें जन्म में तीर्थंकर पद प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया। अपने 26वें जन्म में वे स्वर्ग देवता के रूप में पुष्पत्तर विमान से प्रयाण कर रहे थे, जहां नंदन पानी देव के हाथों उन्हें देव पद प्राप्त हुआ। हे दिव्य आत्मा, पृथ्वी के लाखों जीव मुक्ति की लालसा में आपके प्राकृति की आतुरता से राह देख रहे हैं। आप क्यों अपने इस भव्य कर्तव्य में देर कर रहे हैं? अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने विश्व की कई आत्माओं को तरह तरह के कष्टों से दुखी होते हुए देखा। प्रभु महावीर स्वामी को अपने आने वाले जन्म के कर्तव्य की याद आ गई। प्रभु महावीर स्वामी ने देवलोक से सीधे माता देवनंदा की गोद में गर्भ के रूप में प्रवेश किया। उस समय देवराज इंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ। देवराज इंद्र ने देखा कि प्रभु महावीर स्वामी ने ब्राह्मण कुल में देवनंदा की कोख में गर्भ के रूप में प्रवेश किया है। उन्होंने सोचा, ये तो एक तीर्थंकर की आत्मा है, उसे किसी क्षत्रिय कुल में जन्म लेना चाहिए। देवराज इंद्र ने अपने प्रिय सेवक देव हरिनंगावेशी की सहायता से देवनंदा और माता त्रिशूला की कोख में रहे गर्भ को फिर बदल करवा दिया। Vandeviram, Mahavira, Vandeviram, Mahavira, Vandeviram, 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 Vandevi
महारानी जी क्या हुआ? क्या आपने कोई सपना देखा? दासी, हमें महाराज से मिलना है अभी। जो आज्ञा महारानी जी। महाराज की जय हो। आपकी निद्रा में भंग के लिए क्षमा चाहता हूँ। महाराज, महारानी त्रिशला आपसे मिलना चाहती है। महारानी त्रिशला इस वक्त? उन्हें आदर के साथ अंदर ले आइए। क्या बात है महारानी, इस वक्त हमसे मुलाकात की जरूरत पड़ गई। स्वामी, अभी अभी मैंने निंद्रा में 14 भव्य स्वप्न देखे जो अति धार्मिक थे। मुझे ऐसा लगता है इसका अवश्य कोई तो अर्थ है जो हमें आने वाले भविष्य का निर्देश कर रहे हैं। शांत हो जाइए महारानी, हम आपकी समस्या को अवश्य सुलझाएंगे। हम इस बारे में सर्वश्रेष्ठ विद्वानों की राय लेंगे। आप सब अपने ज्ञान का उपयोग करके हमारे प्रश्नों को सुलझाइए। महाराज की जय हो। आपके बताए हुए हर स्वप्न का अभ्यास करने के बाद हम सब एक नतीजे पे पहुंचे हैं कि महारानी त्रिशला देवी की कोख से एक ऐसी महान आत्मा का जन्म होने वाला है जो सारे जगत का उद्धार करेगा, धर्म, दया तथा अहिंसा का महान उपासक बनेगा और सारे जगत को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। सुंदर, अति सुंदर। हमें यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। मुनिवर, आप अपना स्थान ग्रहण करें। देखा महारानी, अब तो आपके मन को समाधान हुआ। मंत्री जी, यह बहुत ही आनंददायी समाचार है। सारे राज्य में घर घर मिठाइयां पहुंची जाए और गरीबों को अन्न और द्रव्यों का दान किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा।